अच्छा हुआ कि मैं अब तक सोई नहीं। तो आ गई तुम आखिरकार। आ गई, मैं दिल नहीं लगा मेरा वहां। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैसेज पढ़ते ही घबरा गई ना तुम। बहुत। आपका मैसेज पढ़ के सो नहीं पाई मैं। लगता है दिमाग ठिकाने आ गया है तुम्हारा। एक बार तो अपनी माँ की बात सुन लो, जाओ आराम करो। ये कौन सी तमीज है, कर क्या रही हो तुम ये? ये जो घर है ना, कभी भी मेरा असल घर नहीं बन सका। मैंने कभी इस घर को अपना नहीं माना। ये चाबी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, समझी आप? पर अब मैं जिम्मेदारियां नहीं चाहती, अपनी वो चीजें चाहती हूँ जो वाकई मेरी है। और जानती है मैं अपनी दोस्त के घर में बहुत खुश हूँ, समझ गई आप? फजूल में खुश मत हो, तुम बदकिस्मत तो हो ही, और देखना तुम खुद ही एक दिन अपनी खुशी का गला घोट दोगी। मैसेज पढ़ते ही ओलिविया के पार्क में आकर मुझसे मिला। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। इतनी रात में तुमने मुझे मैसेज किया तो मुझे फिक्र हो गई। मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। बैठो। अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि दुनिया रुक जाए कुछ वक्त के लिए। क्या? कुछ नहीं, मैं खड़ी ही रहूंगी इसी तरह, और मैं जल्दी में हूं, जाना है मुझे। जानसू में शीरीन से अलग हो गया हूं। तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात सुनो मेरी। बस बहुत हो गया, अब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूं। आ गई तुम जानसू? मेरी जान, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है यार, ठीक तो हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, प्लीज रो नहीं। क्या हुआ है यार, बताओ तो। कितने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही हो? तुम्हारा मुंह धुलाऊं क्या? नहीं, मैं कर लूंगी। Huh?
आओ जानसू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ये क्या है? मिंट और नींबू। मेरी अम्मी हमेशा मेरे लिए यही बनाती थी। सर में दर्द होने पर भी यही, पेट खराब होने पर भी यही, तबीयत खराब हो तो ये, प्यार के दर्द से परेशान हो तो ये। यार मैं आज तक ऐसी ही जिंदा हूँ। क्या तुम हंस रही हो? अच्छा अच्छा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ ओह कितनी अच्छी है, अम्मी की रेसिपी है हर दर्द की दवा। अम्मी की याद आ रही है। इंसान अपने फैमिली को नहीं भूल पाता है, सिर्फ और सिर्फ रो सकता है। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के बीच जो कुछ हुआ है ठीक हो जाएगा, यकीन करो। मतलब अगर तुम बताना चाहो। नहीं बता सकती हूँ, अगर बताया तो मेरा हाल और बुरा हो जाएगा, छोड़ दो इसे। ठीक है जब तुम चाहो, सिर्फ फैमिली का ही मसला है ना। ये मत करो यार, उफ। अभी चुप कराया था ना मैंने, प्लीज यार मत रो। अरे मेरी जान इधर आओ, आओ मेरे पास। मेरी जान सो